हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, जो एनटीए की तरफ से नोटिस आया है कल का, कि जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप का डेट था जून 2020 का, वो 15 जून से एक्सटेंड होकर के अब 30 जून हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम आखिर होगा कब। तो मैं आप लोगों के इसके लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, जनरली ये जो एग्ज़ाम होता था ये 20 से 22 जून के बीच में हो जाता था और कभी भी इतना डिले नहीं होता था। तो ये इतना डिले हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन है ये आप लोगों को पता ही है कि पैंडमिक सिचुएशन है अभी। तो जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला है कि आप आपदा को जो है अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप उस चीज़ को अपने अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये नोटिस है, ये कल का नोटिस है। इसमें जो है आप लोगों का UGC CSIR नेट एग्जामिनेशन जो जून 2020 है, इसका पहले फॉर्म फिलअप का डेट था 15 जून 2020, तो अभी इसको 30th कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कैसे इस सिचुएशन से, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम आपका जो है सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। मतलब अभी श्योर नहीं है कि ये सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, मे भी हो सकता है दिसंबर में भी हो सकता है। तो हम लोग श्योर नहीं है, ठीक है, बट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अपकमिंग हमारा जो गेट का एग्ज़ाम है गेट 2021, ये मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 1st वीक में होता है। तो अगर ये एक्सटेंड होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये फरवरी लास्ट में जा सकता है या मार्च 1st वीक तक जा सकता है, और तब तक हमारा जो सिचुएशन है ये पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। तो ये आप मान के चलो कि जो गेट का एग्ज़ाम है ये तो आपका डेट इसका तो एक्सटेंड नहीं होने वाला है, लेकिन ये CSIR का एक्सटेंड हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को आपको गेट के 2021 के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो इसमें मैं कुछ आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि जिसको आप फॉलो करके अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और अगले जो गेट का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है। आपको डेली अपना रूटीन बनाना है कि आपको करना क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपको देखिए तीनों सब्जेक्ट को आपको लेकर के चलना है। और ये कैसे कर सकते हैं आप, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए डेली, कम से कम एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल डेली आप सॉल्व करिए। उसके बाद आप इसके जितने फार्मूले हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज आप फार्मूले इसके जो है याद कर लीजिए, डेली ये रिविज़न करिए फिजिकल केमिस्ट्री का। मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि आप जो है 1 महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपसे मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल इसका ट्रिक है फिजिकल केमिस्ट्री, जो आप मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और देखो ये एग्ज़ाम जो है अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो नहीं हो सकता है, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, प्लस चैप्टर वाइज आप फार्मूले रिवाइज करिए, उसके बाद उनको अप्लाई करते रहिए, आप जरूर इसमें अच्छे हो जाएंगे। दूसरा जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जो डिफिकल्ट चीज़ें आती हैं, जो एक्सेप्शन होता है वो हमको भूल जाता है, तो वो हमको याद रखना है, और प्लस अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिलेबस यहाँ पर रिवीजन इम्पॉर्टेंट है और जो एक्सेप्शन चीज़ें हैं उनको याद करना है। तो आप अपना डेली का शेड्यूल इस तरह से फिक्स करो कि उसमें फिजिकल भी हो, इनऑर्गेनिक भी हो और ऑर्गेनिक भी हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस को आपको करना होता है, कि मतलब रिएजेंट याद करने होते हैं, कि मतलब आपको रिएजेंट क्या कौन सा कहाँ पर यूज़ होगा, और रिएक्शंस दो ही चीज़ होती हैं। तो आप एक मतलब डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक चीज़ कर सकते हैं कि आप 10 रिएजेंट डेली याद कर सकते हैं, या ऐसे 5 रिएजेंट या 10 रिएजेंट करके आप डेली कर सकते हैं। और यहाँ पर 10 नेम रिएक्शन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिएक्शन पर प्रैक्टिस करेंगे प्लस रिएजेंट पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी।
और थोड़ी बहुत आपको स्टडी जाननी होती है गेट के लिए, एग्जाम के लिए, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होता है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। तो आपको इसमें सिर्फ अगर आप क्लेडन भी पढ़ रहे हो तो आपको सफिशियंट है, तो वो सब चीज़ें आपको पता है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अपना एक डेली का शेड्यूल बनाओ, और ये जो अभी नोटिस आया है इसको लेकर के पैनिक नहीं होना है कि हाँ एग्ज़ाम कब होगा। आप इस चीज़ को पॉजिटिवली मानो कि अभी हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है, अगला जो एग्ज़ाम है वो मेन होगा आपका, मतलब वो जो गेट वाला एग्ज़ाम है वही आपका मेन एग्ज़ाम है। अगर आप गेट में अच्छी रैंक लाते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी रिसर्च लैब को ज्वाइन कर सकते हो, एज वेल एज आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फोकस करिए उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और आप फार्मूले रिवाइज करिए, इनऑर्गेनिक में जो है जो एक्सेप्शन चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में रखिए, और उस पूरे सिलेबस को कवर करना इम्पॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक में, इसलिए क्योंकि आप देखो कि इसमें क्वेश्चंस कभी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आते हैं, जैसे कभी ऑर्गेनोमेटालिक से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, कभी बायो इनऑर्गेनिक से 2-3 आ जाता है, तो आपको यहाँ सिलेबस कवर करना इम्पॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक क्या है, यहाँ पर आपको रिएक्शन और रिएजेंट दो चीज़ें ध्यान रखना है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप इस रूटीन को फॉलो करके एक अपने आप को, मतलब इस जो आपदा है यहाँ से आप अवसर में अपने सिचुएशन को कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।